नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत धर, नोएडा से, सेक्टर 71। मेरा कैनल का नाम है फायरफॉक्स कैनल, जो कि जर्मन शेपर्ड में ब्रीडिंग करते हैं और एक जाना माना नाम है जर्मन शेपर्ड में, हिंदुस्तान में। और हम लोग पेडिग्रीड और हाई क्वालिटी जर्मन शेपर्ड्स ब्रीड करते हैं। हम लोग अपने डॉग्स को जर्मन शेपर्ड स्पेशलिटी में शो करते हैं, ऑल ब्रीड शोज़ में शो करते हैं इंडिया में, और हम अपने डॉग्स को बाहर भी भेजते हैं शोज़ के लिए। मैं खुद बाहर भी जाता हूँ आउट ऑफ इंडिया शोज़ देखने के लिए, सीखने के लिए, जर्मन शेपर्ड को और अच्छा समझने के लिए, अपने कैनल के डॉग्स को और इम्प्रूव करने के लिए। ये है मेरी स्टोरी। ओके दोस्तों, मैं जर्मन शेपर्ड के कुछ कंडीशंस के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें कि लोगों का काफ़ी मानना है कि जर्मन शेपर्ड्स हम घर में नहीं रख सकते, क्योंकि जर्मन शेपर्ड्स के बहुत बाल झड़ते हैं, डेली बाल झड़ते हैं। पर ये एक सच्ची बात नहीं है, क्योंकि जर्मन शेपर्ड भी और भी ब्रीड्स की तरह हैं, बस क्योंकि इसके बाल थोड़े बड़े होते हैं इसलिए लोगों को लगता है कि इसके बाल घर में ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा झड़ते हैं, इसलिए कपड़ों में भी ज़्यादा दिखते हैं। अदरवाइज़ जर्मन शेपर्ड भी और ब्रीड्स की तरह 5 मंथ में एक बार अपने कोट को चेंज करता है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसमें कि कुछ डॉग्स की डेवलपमेंट, स्किन की, आइज़ की, एवरीथिंग की, हेड, बोन, स्ट्रक्चर, हर चीज़ की ग्रोथ होती है। और एवरी 5 to 6 मंथ्स में डॉग अपना कोट शेड करके नया कोट लाता है। दोस्तों, बेसिकली लोगों का ये मानना है कि जर्मन शेपर्ड बहुत भौंकता है, बहुत चिल्लाता है, सारा टाइम भौंकता है, सारा टाइम चिल्लाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जर्मन शेपर्ड चिल्लाता है जब या तो वो आपको किसी चीज़ के लिए अलर्ट करना चाहता है, या वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, या वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, आपको देख के काफ़ी टाइम बाद मिला है, काफ़ी देर के बाद मिला है, खेलना चाहता है, भागना चाहता है, घूमना चाहता है, तो इसीलिए वो शोर मचाता है, शोर मचा के अपने अंदर के जज्बातों को जाहिर करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, और घूमना फिरना और मज़े करना चाहता है। दोस्तों, मैं आपको एक सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ आप सब लोगों के साथ, कि क्यों हम एक अच्छा पेडिग्री जर्मन शेपर्ड खरीदें। क्या होता है कि लोग जब एक सस्ता कुत्ता, सस्ता पपी खरीदते हैं कम बजट का, एक नॉर्मल ट्रेडर्स से, बिचौलियों से, तो बाद में जाके जब उनके परेशानियां बढ़ती हैं, जब वो बड़े होते हैं, तो कई तरीके की परेशानियां आती हैं ब्रीड में, क्योंकि वो एक हाई पेडिग्री डॉग नहीं होने की वजह से उनके स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, कई बार उनको हिप्स की, जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, कानों की कभी कभी दिक्कत होती है, दांतों की दिक्कत होती है, आँखों में दिक्कत होती है, और चलने फिरने, घूमने में, ग्रोथ में, हर चीज़ में, इन सब चीज़ों में बड़ी दिक्कतें होती है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि हमेशा एक अच्छे बड़े ब्रीडर से और उसकी पेडिग्री को, उसके 3 से 4 पुश्तों के बारे में पहले जानकारी लें, पढ़े, समझे, और किसी बड़े रेपुटेटेड ब्रीडर के कैनल में जाए, उनके कुत्तों को देखे, उनके बारे में समझे, फादर को समझे, मदर को समझे, उनकी 3 जनरेशन की ब्लड लाइन को देखे, फादर के, मदर के, और उसके बाद बच्चों को देखें, बच्चों के सेहत की कंडीशन, बच्चों के हेल्थ देखें, बच्चों की कंडीशन देखें, उनका खाना पीना, उनकी एक्टिविटीज़, और उसके बाद आगे जाके कोई अच्छा पपी सिलेक्ट करें अपने घर के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक मैसेज में बताया कि हमें एक हमेशा रेपुटेटेड और अच्छे ब्रीडर से पपी लेना चाहिए, कारण क्योंकि जब हम एक पपी सिलेक्ट करते हैं तो वो डॉग को हमारे साथ कम से कम 12 से 14 साल उसने हमारे साथ रहना है। इसलिए आपको हमेशा एक अच्छे ब्रीडर से एक अच्छा पपी लेना चाहिए। और जब आप एक बच्चे को सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो आपको देखना चाहिए कि बच्चे की खाने की स्पीड कैसी है, वो कितना खुश है, उसके हाथ पैर कैसे हैं, वो जब पॉटी करे तो उसकी पॉटी को चेक करें, उसकी एक्टिविटीज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी है, उसका खेल कूद सारी चीज़ें, उसकी कंडीशंस, उसके आँख, उसके कान, उसके नाखून, ये सब चीज़ों को आपको देखना, और उसके बाद जब आप एक
पांच या छह बच्चों के लिटर में से जब भी आप एक पपी को सिलेक्ट करें तो सारे बच्चों को एक बार खोल लें, सब बच्चों को घूमने फिरने दें, और उसके बाद जो बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सबसे ज़्यादा हैप्पी है, प्लेफुल है, हमेशा घर के लिए ऐसा ही बच्चा सिलेक्ट करें। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि जर्मन शेपर्ड के हेल्थ की इश्यूज, जिसको लेके लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं आज के टाइम में, देखा गया है जब वो कहीं से भी बिना देखे सोचे समझे एक जर्मन शेपर्ड का पपी खरीदते हैं। इसीलिए मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि एक रेपुटेटेड और अच्छे ब्रीडर से पपी खरीदें, जिसकी वजह से आपको कभी भी उनके हेल्थ के लिए कोई इश्यूज़ ना आए, आपको हर चीज़ का, उनके ब्लड लाइन का हर चीज़ का पता रहे, ताकि आपको आगे जाके बड़ी उम्र में कोई भी परेशानी ना है उस कुत्ते के साथ, जिसमें कि उसके जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो, उसके खाने पीने की एक्टिविटीज़ हो, उसके पॉटी की इश्यूज़ हो, उसके हेल्थ की इश्यूज़ हो, उसके बालों का इश्यूज़ हो, उसके स्किन का प्रॉब्लम हो। ये सब चीज़ों के लिए आपको पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको जर्मन शेपर्ड्स के बारे में दो चीज़ और बताना चाहूँगा। दो तरीके के जर्मन शेपर्ड्स होते हैं जो कि आप जिनमें फ़र्क कर सकते हैं उनके बालों से। एक है जो लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड होता है, एक होता है स्मूथ कोट, जिसे हम मीडियम कोट कहते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दो तरीके के जर्मन शेपर्ड्स होते हैं, जिसमें एक होता है जिसके बाल बहुत लंबे होते हैं, जिसकी सुंदरता और खूबी बहुत होती है जिसमें, और ठंडे क्लाइमेट में रखने की वजह से वो और ज़्यादा निखर के आता है, और ज़्यादा सुंदर लगता है। और दूसरा जो है वो डबल कोट जर्मन शेपर्ड होता है, जिसमें दो कोट होते हैं, एक अंडर कोट होता है और एक अपर कोट होता है, जो कि थोड़ा सा छोटा होता है कोट में, जिसे कि आप मॉडरेट क्लाइमेट में थोड़े गर्म टेम्परेचर में भी रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, जिसमें आपको बालों की समस्या भी कम मिलेगी और डॉग भी थोड़ा सा मॉडरेट क्लाइमेट में अपने आप को ईजिली एडजस्ट कर सकेगा, जिससे ना उसको परेशानी होगी ना आपको परेशानी होगी। और वो कुत्ते भी बड़े सुंदर होते हैं और शोज़ में, आज के टाइम में शोज़ में काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं शॉर्ट कोट्स, जो कि बहुत ही मार्केट में डिमांड में भी हैं और अच्छे भी हैं, सुंदर भी हैं। तो दोस्तों, मैं आपके साथ एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जर्मन शेपर्ड्स के बारे में, जो है HD और ED, हिप्स डिस्प्लेसिया एंड एल्बो डिस्प्लेसिया, जो कि जर्मन शेपर्ड में काफ़ी देखा जाता है बिकॉज ऑफ एक पुअर ब्रीडिंग, एक लालच के लिए जब लोग बिना सोचे समझे, छोटे ब्रीडर्स जो कि बिना सोचे समझे बेचने के लिए एक अनहेल्दी मेल को एक अनहेल्दी फीमेल के साथ मेटिंग कराते हैं, जिसकी वजह से एक हमेशा पुअर क्वालिटी पपीज होने के चांसेस होते हैं, जिसमें कि हिप्स और एल्बोज के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, जिसकी वजह से पपी बड़ा होके आगे सफ़र करता है और जो मालिक होता है वो परेशान होता है। तो हिप्स और एल्बोज के बारे में जानने के लिए हमेशा आपको एक अच्छे, पहले तो सबसे पहले जो मैंने पहले भी बोला है आपको, कि एक अच्छे रेपुटेटेड ब्रीडर के पास जाना पड़ेगा, उसके डॉग्स को देखना पड़ेगा, उनके ब्रीडिंग के प्रोग्राम को जानना पड़ेगा, मदर के रिकॉर्ड्स को चेक करना पड़ेगा कि मदर को कोई पहले कोई सीवियर कोई हिप्स या एल्बोस की प्रॉब्लम तो नहीं है, या अगर मदर ने पहले कोई लिटर दिया है तो उनके बच्चों में कोई ऐसा कोई हिप्स या एल्बोस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया हुआ है, जिसकी बच्चे बच्चों में लंगड़ापन या कम पैर में दर्द या तकलीफ़ होना, चल नहीं पाना अच्छे तरीके से, या मेल फादर के साइड से कोई प्रॉब्लम हो, सेम प्रॉब्लम अगर फादर के साइड से ही पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। हमारे यहाँ जैसे कि हिंदुस्तान में हिप्स और एल्बोज़ के अभी तक कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहूँगा कि जो डॉग्स बाहर से इम्पोर्ट होके आ रहे हैं, जो अच्छे और हाई रेटेड हाई क्वालिटी डॉग्स हैं, महंगे कुत्ते हैं, जिनके हिप्स और एल्बोज़ चेक्ड हैं, जो कि हिप्स और एल्बोज़ जिनके एकदम ओके हैं, आप उन ब्रीडर से हमेशा कॉन्टैक्ट करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आप उन अच्छे ब्रीडर से पपी खरीदें, जिससे कि आगे आपके बच्चों में आने जो पपीज़ आप खरीद रहे हैं उन पपीज़ में हिप्स, कमर की और कंधे की कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो, जिससे कि उनको चलने में परेशानी हो, भागने दौड़ने में परेशानी हो, उठने बैठने में परेशानी हो, घूमने में परेशानी हो, जिसकी वजह से जब आप ओनर सफ़र ना करें, कल को आप ऐसा कुत्ता खरीदते हैं और आपको परेशानी होती है तो मालिक को भी दुख होता है और बेचारे कुत्ते को भी परेशानी होती है, तो ये दोनों के लिए बहुत ख़राब चीज़ है।
हमेशा कोशिश करें कि एक अच्छा हेल्दी कुत्ता हिप्स और एल्बोस क्लियर हुआ हुआ ले। अब मैं आपके साथ जर्मन शेफर्ड के डाइट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जर्मन शेफर्ड पपी के डाइट के साथ। बेसिकली सबसे पहले आपको ये देखना है, जब आप एक जर्मन शेफर्ड पपी लेते हैं तो आपको मार्केट में सबसे पहले ये रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा फूड है, और आप फूड के बारे में सबसे पहले आप नॉलेज गेन करें, उसके प्रोटीन्स, उसमें कितना परसेंट फैट है, कितना कैलोरीज है, कितने मल्टी विटामिंस हैं, ये सब चीज़ों को पढ़े। फिर जब भी आप एक जर्मन शेफर्ड पपी खरीदते हैं तो आप एक अच्छा पहले फूड खरीदें उसके लिए, और उसके बाद उसके वेट के अकॉर्डिंग आप फूड को दें, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसे उतनी क्वांटिटी का उसको फूड दें, और हमेशा अपने पपी के लिए पानी के बर्तन में पानी को भरा रखें। जब आप सूखा ड्राई फूड देते हैं या ड्राई फूड के साथ आप पानी मिला के देते हैं, और पपी को हमेशा एक अच्छा हेल्दी स्पेस दे जहाँ पे कि वो भाग दौड़ कर सके, खेल सके, एंजॉय कर सके, जिससे कि उसको खाना खाने के बाद वो खाना पचाने में काम करेगा, उसकी मोशन सही रहेंगे, उसके चलने फिरने से उसके हर चीज़ में ग्रोथ में, हर चीज़ में डेवलपमेंट में, हर चीज़ में एक सुधार होगा, जिससे कि आपके पपी को आपको बड़ा करने में और उसको एंजॉय करने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अब हम चलते हैं बड़े जर्मन शेफर्ड के ऊपर, जो कि एक एडल्ट जर्मन शेफर्ड है। आपको हमेशा आपके एडल्ट जर्मन शेफर्ड की नॉलेज होनी चाहिए कि उसका वेट, उसके स्किन की कंडीशन, उसके पेट की कंडीशन कैसी है, और आपको एक हमेशा अच्छा फूड, हमेशा एक बड़े कुत्ते के लिए भी एक अच्छे फूड की बहुत ज़रूरत होती है, और बड़े कुत्ते के एज के हिसाब से ही उसके फूड को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें कि प्रोटीन और क्या कहते हैं फैट, मिनरल्स, ये सब चीज़ों की क्वांटिटी को आपको चेक करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू हिज एज आपको वो फूड खरीदना है, वो फूड उसको आपको देना है, ताकि उसकी डेवलपमेंट और उसकी फिटनेस बनी रहे अच्छी, और हमेशा उसको आपको प्रॉपर एक्सरसाइज देना पड़ेगा, जिसमें कि मैं आप कहता हूँ कि एक जर्मन शेफर्ड को डेली 3 किलोमीटर की एक्सरसाइज चाहिए। अगर आप सुबह नहीं करा सकते शाम को लेके जाए, शाम को नहीं करा सकते सुबह लेके जाए, या आप दोनों टाइम लेके जाए, आधा आधा घंटा रोज़ सुबह शाम अपने डॉग के साथ टाइम स्पेंड करें, उसको एक्सरसाइज कराए, 1-1.5 किलोमीटर सुबह कराए, 1-1.5 किलोमीटर शाम को कराए, बॉल से एक्सरसाइज कराए, उसके साथ खेले, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ रनिंग करें, साइकिल के साथ उसको लीश लगा के उसके साथ वो साइकिल की वाली एक्सरसाइज कराएं। आप उसे स्विमिंग भी करा सकते हैं, जिससे कि मसल्स और डेवलप होती है डॉग की, और ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपका जर्मन शेफर्ड एक बहुत अच्छा निखार के साथ, बहुत अच्छे मसल्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कुत्ता और एक हैप्पी कुत्ता बन के आपको दिखेगा। दोस्तों, मैंने आजकल देखा है कि काफ़ी नए लोग हैं जो जर्मन शेफर्ड गेम में इन्वॉल्व है। बेसिकली मैं इन्फॉर्मेशन जो शेयर कर रहा हूँ ये शो पीपल्स के लिए है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ को ध्यान में रखें, जो नए लोग, जो नए लड़के, जो यंगस्टर्स जो कि आजकल इस शो गेम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आजकल नए काफ़ी लोग आ रहे हैं, आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जर्मन शेफर्ड्स आपने कहाँ से लेना है, कैसा जर्मन शेफर्ड लेना है, क्या क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड लेना है, जिससे कि आप शो गेम में आगे बढ़ सकें। और मैं ये बात पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ कि हमेशा एक अच्छा शो स्पेसिमन लेने के लिए आपको हमेशा एक अच्छे फादर मदर को देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि किसके पास, किसी बड़े अच्छे कैनल के पास अच्छे फादर मदर है, उनके पास जाके आप पहले डॉग्स को समझें शो के लिए कौन सा बेस्ट डॉग है, फिर ओवरऑल डॉग की पूरी स्ट्रक्चर देखें, जिसे आप एनाटॉमी हम कहेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में कहेंगे कि उसके पूरे शरीर की बनावट को देखें, उसके शरीर के सारे ढांचे को, सारे एंगल्स को देखें, उसके चलने फिरने के तरीके को देखें, उसके टेम्परामेंट को देखें, उसके हाथ पैरों को देखें, उसके हिप्स और एल्बोज जो कि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया था वो सब चीज़ों को देखें, उसके सारे दांत चेक करें, उसके कानों की बनावट, उसके आँखों का रंग, उसके चेहरे का, उसके मज़ल, उसका फोरहेड, उसके आँखों की शेप, उसके हाइट और लेंथ के प्रोपोर्शंस, उसके फोरआर्म्स, उसके विदर्स, उसके शोल्डर्स, उसके बॉडी की टाइप, उसका क्रूप, उसके हॉक्स, ये सब चीज़ों को देखें, ब्रीडर से बात करें, हर चीज़ के बारे में जानकारी लें। देखिए, जब बिना जानकारी के और बिना अच्छा पैसा खर्च करें कभी भी आपको एक अच्छा जर्मन शेफर्ड नहीं मिलेगा। और मैं आज के टाइम में इंटरनेट का ज़माना है, गूगल पे जाए, सर्च करें जर्मन शेफर्ड, जब भी आप एक शो जर्मन शेफर्ड लेना चाहते हैं
तो पहले उस ब्रीड के बारे में पढ़ें, उसके सारे ढांचे के बारे में पढ़ें कि जर्मन शेफर्ड एक क्या ब्रीड क्या है, वो काम कैसे करता है, वो चलता कैसे है, ब्रीड के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसके बारे में ब्रीड की सारी जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन लें, पढ़ें, लिखें कागज में, उसके बाद किसी ब्रीड अच्छे ब्रीडर के पास जाके वहाँ पे पपी सिलेक्ट करके उनसे बात करके ही आगे एक अच्छा पपी खरीदें। तो दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ कि कैनल कार्निवर्स ने मेरा इंटरव्यू लिया जर्मन शेफर्ड के ऊपर, जो कि मेरा जर्मन शेफर्ड का नॉलेज है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाया हूँ। मैं इसलिए चैनल कार्निवर्स का शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से इनको शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब टू चैनल कार्निवर्स। बाय, टेक केयर।